सो हेलो गाइस, दिस इज अनिक। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले सेंसिटिविटी के बारे में। सो यार गाइस, यहाँ पे अपना गेम तो आ चुका है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पे स्टिल बंदों को सेंसिटिविटी के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनको पिछली वाली अपनी जो पुरानी सेंसिटिविटी थी वो अभी सूट नहीं कर रही है, उनको चेंज करनी है। कैसे चेंज करनी है पता नहीं है। सेंसिटिविटी उन्होंने चेंज की है किसी का देख के, उन्होंने गेम चेंज किया है, क्या क्या चेंज किया है पता नहीं अभी मेरे को, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ मच गए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हो, क्लोज रेंज, मिड रेंज सभी के लिए, स्प्रेज वगैरह सभी के लिए, जिससे आपके सारे सेंसिटिविटी के प्रॉब्लम्स एक ही जड़ में खत्म हो जाएंगे। जड़ में मतलब एक ही क्या बोलते हैं उसको, चलो बस हो गया। सो यार गाइस, इस पॉइंट में अपन बात करने वाले कि एक मिस्टेक के बारे में जो कि अभी अभी आपने की है। तो वो मिस्टेक क्या है कि मार्केट में अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की है जो कि वो रेडीमेड सेंसिटिविटीज़ दे रहे हैं, इस अपडेट की नई सेंसिटिविटी बना के आपको दे रहे। तो अगर आप उस सेंसिटिविटीज़ को अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो आप फायदे में रहोगे, क्योंकि अगर आप खुद की सेंसिटिविटी बनाते हो किसी की कॉपी करने के बजाय, अगर खुद की सेंसिटिविटी बनाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म तक साथ देगी एंड बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि अभी गेम तो आ चुका है एंड लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सेंसिटिविटी आप खुद के लिए बना सकते हो। तो यही मैं बताना चाहता था। एंड ये मिस्टेक आप मत करो कि भाई इसकी ले ली, उसकी ले ली, क्या ले ली, सेंसिटिविटी इस यूट्यूबर की, उस यूट्यूबर की, इस अपडेट में इस यूट्यूबर की, उस अपडेट में उस यूट्यूबर की, ये सब मत करो, ये सब फालतू बनाए, बकवास गिरी, ये सब खुद की सेंसिटिविटी बनाओ, जो कि मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बताने वाला हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आ जाओ। सो यार गाइस, अगर खुद की सेंसिटिविटी बनाने का डिसीजन ले ही लिया है तो अब मैं सिखा ही देता हूँ आपको कि कैसे खुद की सेंसिटिविटी बना दे। तो यहाँ पे हमारे पास है 5-point rule, मतलब 5 से बढ़ाओ 5 से घटाओ। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्लोज रेंज में आप खुद की सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। अभी मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे बंदों को ये डिफिकल्ट लगता है कि कैसे हम खुद की सेंसिटिविटी क्लोज रेंज में बने। किसी स्कोप का वो बना लेते हैं लेकिन क्लोज रेंज में दिक्कत आता है। तो यहाँ पे क्लोज रेंज में मैं जायरो प्लेयर्स का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे जायरो प्लेयर्स के लिए 2 sensitivity होती है। सबसे पहले जायरोस्कोप कैमरा सेंसिटिविटी ऊपर वाली, और दूसरी नीचे वाली कौन सी होती है, जायरोस्कोप ADS सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आना है आपको, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे मैं आपको ड्रिल देने वाला हूँ। मैं ये ड्रिल परफॉर्म करके खुद की सेंसिटिविटी बनाने वाला हूँ क्लोज रेंज के लिए, और आप भी ये परफॉर्म कर सकते हैं या फिर आप कोई और ड्रिल भी परफॉर्म करके खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं ट्रेस करूँगा। क्या ट्रेस करूँगा, मैं इस टारगेट को ट्रेस करूँगा। एंड अगर मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है तो मैं घटाऊंगा या फिर बढ़ाऊंगा, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को बढ़ाना पड़ा तो मैं बढ़ाऊंगा सेंसिटिविटी। कौन सी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, यहाँ पे मैं फायर तो नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को बढ़ानी पड़ेगी जायरोस्कोप कैमरा सेंसिटिविटी ऊपर वाली। तो यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा या फिर घटाऊंगा, जो भी करना है मेरे को 5K rule में करना है, मतलब 5 point बढ़ाऊंगा। तो अगली वाली सेंसिटिविटी जो 5 से बड़ी हुई होगी वो मैं ट्राई करूंगा, वो भी मेरे को कम लग रही है तो मैं फिर से 5 से बढ़ाऊंगा, फिर कम लग रही है तो फिर से बढ़ाऊंगा। अब बहुत ज़्यादा हो गई 5 से बढ़ाने के बाद तो थोड़ा मैं कम करूंगा, 2-3 point से कम करूंगा या फिर से 5 से कम करूंगा। तो ऐसे करते करते कम जास्त मतलब ज्यादा कम करते करते आपको एक आइडल सेंसिटिविटी मिल जाएगी, जहां पे आपको लगेगा हाँ भाई ये खतरनाक सेंसिटिविटी है, सेटिस्फाइड होंगे आप आपके ट्रेसिंग से, तो वो सेंसिटिविटी आपको रखनी है। ये तो हो गया विदाउट फायर। अब विद फायर कैसे आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हो, तो यहाँ पे काम में आती है जायरो ADS सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आपको फायर करते करते टारगेट को ट्रेस करना है, एंड ट्रेस करते समय आपको अगर ऐसा लगता है कि सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है आपको ट्रेस करने में, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ रहा है, तो बढ़ाने के समय पे आपको 5 से ही बढ़ाना है। और अगर आपको लगता है कि भाई सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको 5 से कम करना है, एंड अगेन आपको लगता है कि अभी भी कम करना पड़ेगा तो फिर से 5 से कम करना है, और फिर आपको लग रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा तो आपको फिर से 5 से ही बढ़ाना है। मतलब 5-point rule है अपना, 5 से बढ़ाओ 5 से घटाओ, एंड ऐसे ही बढ़ाते घटाते आपको एक आइडल सेंसिटिविटी मिल जाएगी यहाँ पे भी, जो कि आपको होने वाली है खुद की सेंसिटिविटी। तो ये तो हो गया क्लोज रेंज में आप कैसे अपनी खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हो। आपको इजीली समझा दिया मैंने, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आ गया तो खतरनाक टाइप कर देना ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। खतरनाक था ये जो मैंने बोला भाई, खतरनाक। तो अब बात करते हैं, बहुत सारे बंदों के दिमाग में आया होगा कि भाई मेरी क्लोज रेंज की सेंसिटिविटी तो खतरनाक है, मैं क्लोज रेंज में अभी भी पहले जैसा खतरनाक खेल लेता हूँ, मेरी वो सेंसिटिविटी नहीं हिली हुई, लेकिन मेरी स्कोप्स की जो लॉन्ग रेंज स्प्रेस की जो सेंसिटिविटी है वो हिल चुकी है, वो मेरे को ठीक करने। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई 6x scope की हम कैसे सेंसिटिविटी खुद की बनाएं। तो 6x scope के को लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद अगेन ये ड्रिल आप परफॉर्म कर सकते हो पेड़ वाली, या फिर आप कि कोई और भी ड्रिल लॉन्ग रेंज स्प्रेस के लिए जो होती है बहुत सारी, कोई भी ड्रिल ले सकते हो एंड खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हो।
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद अगर आपको लगता है कि बढ़ानी है तो 5 से बढ़ाओ, स्प्रे करने के बाद आपको लगता है कि भाई कम करनी पड़ेगी तो 5 से कम करो, यही रूल है। एंड ऐसे करते करते आपको आइडल सेंसिटिविटी, एक सेटिस्फाइड सेंसिटिविटी मिल जाएगी, जिसको यूज करने के बाद आपको लगेगा भाई मैं तो स्वर्ग में आ गया, भाई क्या स्प्रे जा रहा है भाई, एक दूरी में स्प्रे। तो ये सेंसिटिविटी आप ऐसे खुद की सेंसिटिविटी बना सकते हो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पहला वीडियो है अपना ये, तो लाइक करना वीडियो को, लाइक करना मत भूलना, ये मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन पहले वीडियो में बोल रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, दिल से वीडियो बनाए एंड कमेंट्स कंपलसरी कमेंट्स करो एंड देखते हैं क्या होता है। शाउटआउट्स भी दूंगे नहीं रे, देंगे शाउटआउट्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम करते हैं वीडियो को यहाँ पे बंद, तो बाय बाय।